Assalamualaikum friends, welcome back to ArfanSabiraVlogs. तो आज है जुम्मा, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक. और हम लोग जा रहे हैं इनाया का स्कूल थिएटर के लिए. आ जाएंगे 10-15 मिनट में ही. आयन घर पे ही रहेगा क्योंकि आयन का क्लास स्टार्ट होगा थिएटर बाद. Can I write it second? Red one? The yellow one? Go. आज दोपहर में बना रही हूँ मटन कीमा बिरयानी. तो इसके लिए मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है. साथ में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 स्टार अनीस, थोड़ा सा जावित्री डाला है और नमक थोड़ा सा, हाफ आधा इसमें डालूंगी, आधा मटन में डालूंगी और कीमा में डालूंगी. तो मैंने यहाँ पर नमक डाल लिया है, आप नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए मतलब. और थोड़ा सा 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाला है और बासमती चावल को मैंने धो के रख दिया है. और आपने मटन कीमा पुलाव की रेसिपी शायद आप लोगों ने हमारे चैनल में देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो इस तरफ मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया था, गर्म हो चुका है ऑयल, देख सकते हैं. तो मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत मसाला. तो इसमें है 1/2 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और थोड़ा सा जावित्री. मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, तो स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ. और साथ में डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च. हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना मिर्ची पसंद है. तो हमारे घर में इतना मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसमें काम कम ऐड किया है. तो हमें प्याज को अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन तक. तो देख सकते हैं चावल को मैंने 70% कुक कर लिया है. तो इसको मैं पानी से अच्छे से निकाल के छान लूँगी. और इस तरफ हमारा प्याज भून रहा है. 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट. तो अभी ऐड कर रही हूँ मटन कीमा 1/2 किलो. कीमा को अच्छे से भूनना है हमें. ये ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर. ऐड कर रही हूँ नमक. नमक आप देख के डालिए क्योंकि हमने चावल में भी डाला था. तो इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पूरा नींबू का रस. तो सूखी मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं. 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर. इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट कर लूँगी. तो ये मसाला का पेस्ट डाल रही हूँ. तो इन सबको अच्छे से हमें भून लेना है फिर से. तो यहाँ पर मैं 1 कप दही डाल रही हूँ. तो इसमें चावल ऐड कर रही हूँ. चावल डाल लिया है और ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीना. ऊपर से थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ. थोड़ा सा दूध में मैंने ऑरेंज कलर मिक्स कर लिया था तो वही ऐड कर रही हूँ. और इसे अभी मैं ढक दूँगी. ढक के हमें धीमी आंच पे 20 मिनट्स के लिए पकाना है, 20 मिनट. तो यहाँ पे हमारा कीमा बिरयानी बनके रेडी है. तो मैं निकाल लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले.
देखिए अच्छे से पक चुका है। हमारा कीमा बिरयानी रेडी है, साथ में रायता भी रेडी है। बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहे हैं दोनों भाई बहन मिलके। स्लोली यहाँ देखो, तो देखिए वीकेंड का स्टाइल इनाया के साथ। वीकेंड कल है हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। साइड में साइकिल है। वीकेंड का बार होता है, ये वीकेंड का स्टाइल है। पोज देखिए इसके, आप वाह 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 क्या पोज दे रही है इनाया, वाह क्या पोज दिया तुमने। भाईजान कहाँ है? भाईजान कहाँ है? ये देखो भाईजान की एंट्री होती है अब। और इनाया ने मास्क क्यों नहीं पहना, कहाँ गई वो? मैं यहाँ पर ही खेल रही ना, भाईजान साइकिल चला रहा है। अच्छा मास्क पहनो अपना, फटाफट जाओ यहाँ पर ही खेलो, यहीं भी खेलो, दूर मत जाना। आयन तुम कहाँ गए थे? नीचे स्लोपिंग। स्लोपिंग जा, दूर मत जाना, सिर्फ तुम्हारी साइकिल पर लिखा एटीट्यूड। तुम्हें एटीट्यूड आया ना तो तुम्हारा तेल निकालूंगा मार मार कर। See that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I just wanna be happy, happy tonight. सब लोग बैठ के देख रहे हैं शक्तिमान। किल भी आ गया है। कैसे देख रहे हैं सब लोग, टीवी के अंदर घुस चुके हैं सब लोग। आज इन्होंने छुट्टी ले लिया था क्योंकि इनको थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा लग रहा था, इसलिए पर अभी ठीक है। तो अभी खाना दूंगी सबको, डिनर का टाइम हो गया है। और जो दोपहर में कीमा बिरयानी बनाया था तो वही है, उसको ही गरम कर लूँगी थोड़ा सा और रायता बना लूँगी। बस खाना खा के जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सबका तबीयत ख़राब है, कल वीकेंड है तो जल्दी उठेंगे सब लोग। जल्दी मतलब 9 बजे तक उठ जाएंगे, उससे जल्दी तो नहीं होगा। और घर का सब्जी भी थोड़ा सा लेना है तो ये जाएंगे लेके आएंगे, हो सके तो हम लोग भी जाएंगे, नहीं तो अकेले जाएंगे। फिर कल मिलेंगे आपको एक नया व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।